आपसे दिल की बात भी करना चाहता हूँ। आप जैसी इलीट बैठी हो उसके साथ मैं दिल की बातें ना करूं तो बड़ी ये ज्यादती भी होगी, क्योंकि मैं हिलाना चाहता हूं आपको। लिहाजा कुछ सब्र के साथ बैठिएगा, क्योंकि आप ही के जरिए मैं उन लोगों तक पहुंच सकता हूं जो फैसला करने वाले हैं, और आप ही के जरिए उस इलीट को मैं हिलाना चाहता हूं कि जिसकी गाड़ी की खिड़कियों पर जैसे गरीब दस्तक देता है, इस साल लोगों ने वोट देकर दस्तक दी है, और वो वोट और वो दस्तक इज नॉट ओनली पॉलिटिकल, इज सोशियो पॉलिटिकल। इसको जिसने नहीं पहचाना तो मेरा मुल्क खसारे में रह जाएगा। कभी कभी जब आपकी गाड़ियों की खिड़कियों पर कोई दस्तक देता है तो हम रिजेक्ट करते हैं कि यार ये तो इन्होंने पेशा बना लिया। कभी हम किसी और अंदाज से रिजेक्ट करते हैं। मुमकिन है वो सब कुछ हो, मगर उनके मुंह में अल्फाज नहीं है, वो आपके एलिटिस्ट सिस्टम को चैलेंज भी कर रहे हैं। कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ ऑफ दैट, यकीनन आपको चैलेंज कर रहे हैं कि सिस्टम क्या है, तुमने क्या अडॉप्ट किया है। इस साल गजा का जुल्म हम देख रहे हैं, इसको मत भूलिएगा। एंड दैट इज अ चैलेंज टू ह्यूमन सोसाइटी। ये चैलेंज उन पढ़े लिखी कौमों के लिए है जिनसे हम तसव्वुर करते थे, हम महसूस करते थे कि यहाँ से ह्यूमैनिटेरियनिज्म निकलेगा। कोई ह्यूमैनिटेरियनिज्म नहीं आया। जितनी सेकुलर डेमोक्रेसीज हैं आजकल, उनके फैसले सारे वेस्टेड इंटरेस्ट पर हैं। मैं ये समझता था कि वो इमिग्रेंट सीरियन बच्चे की जो तस्वीर आई थी 2-3 साल पहले, जो मेडिटेरेनियन में डूबा था, तो मैं समझता था कि इमेजरी दुनिया का दिल नरम करेगी। मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि गजा की इमेजरी के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा है दुनिया पर। ये पाकिस्तान इज बीइंग एक्सप्लॉयटेड बाय अस द इलीट। अस का मतलब ये कि आप में बहुत नेक लोग होंगे यकीनन, बट जब मैं इलीट की बात करता हूँ तो तालीम याफ्ता लोगों को, बिजनेसेस को, अपर मिडिल क्लास है उसको, फौज को, सबको इलीट समझता हूँ। तो पाकिस्तान हैज बीन एक्सप्लॉयटेड एट द कॉस्ट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। और आपको दहला देने वाली बातें सुनाना चाहता हूँ। मेरा फर्ज है, आपने मुझे यहाँ पहुंचाया है, तो कम से कम जाते जाते वो समरी जरूर ले लें, कि जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े खदशात जो हैं, एक बड़ा सैलाब जो है वो मुझे देख रहा है, और वो सैलाब बहने वाला है। लिहाजा मुझे फियर है अपने मुल्क के हवाले से। जरा सा चैलेंज करता हूँ मैं आपको, वो सैलाब है, 2,62,00,000 बच्चे स्कूलों के बाहर है। तसव्वुर कर सकते हैं आप? डिड यू नो? क्यों? बिकॉज योर चिल्ड्रन आर इन स्कूल, माई चिल्ड्रन आर इन स्कूल। वी डिडंट नो कि सैलाब बनता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। द नेक्स्ट स्टेप व्हेन आई वांट टू चैलेंज यू द इलीट इज दिस, कि ये जो गुर्बत के अंदर, जो मेल न्यूट्रिशन के अंदर, न्यूनेटल केयर के एतबार से जो जराइम हो रहे हैं, जो मैटरनल मॉर्टेलिटी है, जो औरत की सेहत की खराबी है, जो स्टंटिंग है, ये सब निचले तबके की बीमारियां हैं। लिहाजा वी डोंट केयर, लिहाजा वी डोंट मेक पॉलिसीज। एंड व्हेन डिड यू मेक पॉलिसीज? वेल, व्हेन यू वर हिट आल्सो कोविड में। यू आर द थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड इन ट्राइंग टू प्रिवेंट कोविड डेथ्स एंड कोविड हेल्थ। कैसे हुआ? इसकी 3-4 वजूहात हैं, एंड दैट इज द प्रिस्क्रिप्शन फॉर योर कंट्री टुमारो, कि इलीट और गरीब सब हिट इक्वली, टू द पॉलिसीज वर मेड। अगर ये गरीबों के अंदर बीमारी होती तो आप कहते कि यार ये ओवर पॉपुलेशन है। जब ये इलीट और गरीब की बीमारी सबकी हुई, तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच हैपेंड। इमरान खान वाज द प्राइम मिनिस्टर, ही सेड नहीं, वी विल डू फोकस्ड वर्क, वी विल नॉट शट डाउन द होल कंट्री। आपने गरीब की फिक्र की और अल्लाह ने बरकत डाली होगी यकीन। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ अगर सड़क पर आए तो उसके साथ हरासमेंट ना हो, whether it is political harassment, and hats off to the political leaders of the women who have come out. ye mulk mera jaag gaya hai is aurat ki wajah se. hats off to those women who have stood like this. hats off to the young youth who have come out and jo dastak de rahe hain ke dekho mera bhi masla hai, mera bhi mulk hai, tum logo ne jo kiya hai, you must change. look at pakistan today. why is that happening? challenge yourself. it should not happen. It should never happen. मुझे एक टेलीविजन कंपेयर मिली, उन्होंने कहा जी सियासी एतबार से वो कह रही थी कि जी अब हम सोचते हैं कि जो हुआ सबके साथ ऐसे ही होना चाहिए। कि मैंने कहा मेरा मुल्क ही रह गया जिसमें दुश्मनियां निकलेंगी। मैंने कहा मेरा मुल्क ही रह गया है यार, हमें तो ये दुआ करनी चाहिए कि किसी के साथ अब ऐसा ना हो जैसा हुआ। यू मस्ट स्ट्राइव फॉर पीस, यू मस्ट स्ट्राइव फॉर यूनिटी, यू मस्ट फॉरगिव, बिकॉज विदाउट फॉरगिवनेस कौमें बढ़ती नहीं है, कौमें तरक्की नहीं करती। जिस किश्ती को डामाडोल होती रहे लोगों के हिचकोलों के साथ, वो किश्ती आगे नहीं जाती है। बट इट इज वेरी इजी फॉर पाकिस्तान टू प्रोग्रेस, एंड आई बिलीव इट इज अ मैटर ऑफ 5 or 6 years or 10 years।